और मान लो अगर आपको किसी गैर मुस्लिम से इश्क हो जाता है, प्यार हो जाता है, तो क्या आप उससे शादी कर लेंगे वहाँ पे? अब तो मैंने सुन लिया, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है जब से नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट इंडिया में आई है, तब से मोदी जी ने बहुत ज़्यादा वहाँ पर काम किए, डेवलपमेंट की है। तो मैं अक्सर वीडियोस भी देखती रहती हूँ, और आपको पता है मोस्टली प्रोग्राम्स भी उसी पे ही होते हैं। और मैं ये सोचती हूँ कि इंडिया जो है मेरा दूसरा घर है, क्योंकि हम जो हैं वो उधर से ही आए। तो आपको पता नहीं, शायद ये मोदी जी की और रो की भारत की साजिश है। हम यहाँ हिंदुस्तान से गर्म हवा के ट्रक भर भर के आपके पाकिस्तान भेज रहे हैं, तो ये हमारी साजिश है गर्मी वाली। तो दोस्तों, आज के वीडियो में ना तो मैं कोई को रोस्ट करने वाला हूँ, ना कोई मैं रिएक्शन देने वाला हूँ। तो आज हम पाकिस्तानी पत्रकार हैं रिवा जी, तो उनसे उनकी लाइफ के बारे में, पाकिस्तान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामला आखिर है क्या, और पाकिस्तान के लोग पूरी दुनिया के बारे में और हिंदुस्तान के बारे में क्या सोचते हैं। तो रिवा जी आज हमारे साथ हैं, तो रिवा जी आपका स्वागत है सबसे पहले। तो बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी? मैं एकदम ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। और आपके पाकिस्तान में हालात कैसे हैं? बेहतरीन है, A1 से देख के नहीं लग रहा कि A1 चल रहे हैं हालात वाकियात। बस गर्मी बहुत ज़्यादा है, वेदर आपको पता है कि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा लाहौर में जो पड़ रही है, वेदर बहुत ज़्यादा गर्म है और बहुत मतलब मुश्किल हो जाता है दिन में रिकॉर्डिंग करना। तो आपको पता नहीं, शायद ये मोदी जी की और रो की भारत की साजिश है। हम यहाँ हिंदुस्तान से गर्म हवा के ट्रक भर भर के आपके पाकिस्तान भेज रहे हैं, तो ये हमारी साजिश है गर्मी वाली। तो रिवा जी, मैं आपसे ना कोई ज़्यादा सीरियस क्वेश्चन नहीं पूछने वाला हूँ, हम बिल्कुल लाइट मोड पे इंटरव्यू रखने वाले हैं। तो मेरे पास में ऑडियंस के भी क्वेश्चन हैं आपके लिए, मैं शुरुआत करता हूँ। कुछ क्वेश्चन मेरे हैं, कुछ ऑडियंस के हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए यह है रिवा जी, तो आप हमारी वीडियो देखते हैं और देखते हैं, तो आप बताइए कि हम कैसा काम करते हैं। देखिए, आपकी तो ज़्यादातर रोस्टिंग होती है ज़्यादातर, और मोस्टली जो मेरा सीन है कि मैं मतलब रोस्टिंग वीडियोस देखती हूँ, तो उसमें ये है कि एक ऐसे यूट्यूबर्स होते हैं जो पाकिस्तान और इंडिया को जोड़ के रखते हैं। मैं आपकी वीडियोस भी देखती हूँ और आपका चैनल भी देखती हूँ, मोस्टली जो है वो मीम्स टाइप वीडियोस होती हैं, रोस्टिंग टाइप वीडियोस होती हैं इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड। तो मेरा यहाँ पे बात करने का मकसद ये है कि मतलब ऐसे चैनल्स जैसे आपका चैनल है, मतलब ऐसे चैनल्स होते हैं जो एक दूसरे को जोड़ के रखते हैं पाकिस्तान और इंडिया को। और आपको पता है कि आजकल सियासत की बहुत ज़्यादा सरगर्मियाँ चल रही हैं, और मतलब कभी कोई कॉन्ट्रोवर्शियल बात आ जाती है, कभी कोई कॉन्ट्रोवर्शियल बात आ जाती है। तो आपका चैनल एक ऐसा है कि मतलब आपने बहुत ज़्यादा इंटरटेनमेंट वाली साइड पे रखा हुआ है बहुत जगह पर, ठीक है, और लोगों को इंटरटेन करने के मतलब रोस्टिंग वाली साइड पे आ जाता है। तो बेसिकली, और जो मेरा चैनल है वो पॉजिटिविटी से प्रेड करना है, और दोनों नेशंस को मतलब मकसद तो एक ही है दोनों नेशंस को जोड़ना, लेकिन मेरा मकसद ये है कि पॉजिटिविटी से प्रेड करना है अपने चैनल के थ्रू, और पॉजिटिव वे में मतलब लाइक दोनों कंट्रीज़ को एक साथ जोड़ना और इन ऑल दैट। सबसे पहले तो आपका थैंक यू, शुक्रिया, आप हमारे वीडियो देखती है, आप समय देती है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी सोच ये है कि भाई थोड़ा न्यूज़ के साथ में एंटरटेनमेंट भी हो जाए, और थोड़ा सा जो पाकिस्तानी जो एजेंडा होता है पाकिस्तान मीडिया का खास तौर से, तो उसको थोड़ा सा काउंटर करने की कोशिश होती है। अच्छा, तो रिवा जी, मैं आपसे अब दूसरा सवाल पूछता हूँ, आपने इंडिया पाकिस्तान का कंटेंट ही क्यों चुना, आप कुछ और भी चुन सकते थे? बिल्कुल ऐसे ही है। बेसिकली मैं पहले इंटरटेनमेंट पे ही काम कर रही थी, मैंने यहाँ पर कुछ ऐसे चैनल्स, वेब चैनल्स थे वो ज्वाइन किए हुए थे, वो पाकिस्तान के टॉप मोस्ट जो है ना फेमस चैनल थे, वो वहाँ पर मैं इंटरटेनमेंट पे प्रोग्राम्स करती थी, लेकिन तब मेरी एजुकेशन भी स्टार्ट साथ साथ थी, और मैं BS मास कम्युनिकेशन कर रही थी यूनिवर्सिटी से, तो उसके साथ साथ मैं मतलब वो कहते हैं ना कि पार्ट टाइम जॉब करना लाइक इस तरह का सीन था, तो वो वहाँ पर मैं प्रोग्राम्स करती थी, तब भी मैं इस तरह ही प्रैक्टिस करती थी न्यूज़ की और इंटरटेनमेंट के प्रोग्राम्स करती थी, तब भी मेरा यही मोटिव था। लेकिन फिर चूँकि जब मेरी डिग्री कंप्लीट हुई, तो फिर मैंने गौर व फिक्र किया कि नहीं, मुझे अपना फ्यूचर जो है उसको बनाना है, मुझे क्या करना चाहिए आखिर, मतलब कुछ ना कुछ तो सोचना ही है ना इंसान ने अपनी लाइफ का। और जो चूँकि मेरा जो पैशन भी था कि मैं जो हूँ प्रोग्राम्स करूँ, और मैं जॉब कर रही थी एक दिन, तो एक दिन मतलब मेरे माइंड में क्लिक किया कि क्यों ना मतलब मैं ऐसा कुछ क्रिएटिव लेकर आऊँ आप सबके लिए कि जो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो और बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हो और पॉजिटिविटी से प्रेड रहे उसमें, ठीक है।
मतलब और कब तक हम दूसरों के लिए लोगों के लिए काम करते रहें, एक ये भी सीन था। मतलब मेरा यही मोटिव था कि हम लोग, वो कहते हैं ना नौकरी नौकर नौकरी, ठीक है, तो मतलब हम उन चीज़ों से बाहर कब तक निकलेंगे। ठीक है, मैं ये नहीं कहती जॉब जो है वो गलत है, मतलब इस तरह की चीज़ें मैं ये नहीं कह रही, जॉब से ही हम सीखते हैं। और ऑब्वियसली अगर मैंने कैमरा पे बोलना शुरू किया, मतलब अपनी शर्म को थोड़ा सा साइड पे रखा और मेरी वो जो शाइनेस थी, मतलब लाइक मुझे शर्म आती थी पहले कैमरा फेस करके, वो मेरी दूर हुई है। ठीक है, मतलब मैंने स्टार्ट ही तब किया यूनिवर्सिटी में छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पे काम करना, डॉक्यूमेंट्रीज बनाना, और उसके बाद से फिर मैंने सोचा कि मुझे कुछ सोचना चाहिए भाई, फिर मैंने चैनल बनाया। ठीक है, और चैनल जब मैंने बना लिया उसके बाद मैंने ना कंटेंट जनरेट किया, मैंने कहा चलो तब भी मैंने सोचा कि चलें इंटरटेनमेंट पे काम करते हैं। इंटरटेनमेंट पे काम करते करते मेरे जहन में क्लिक किया कि क्यों ना मैं वर्ल्ड अफेयर्स पे काम करूँ, क्यों ना मतलब कुछ डिफरेंट करूँ जो कोई भी नहीं कर रहा, और कुछ पॉजिटिव किया जाए। ठीक है, और मतलब मैंने पॉजिटिविटी स्प्रेड करने के लिए, और फिर मतलब मैंने कहा कि अच्छा है, जब मैंने दो चार वीडियोस रिकॉर्ड की तो वो उसका बड़ा अच्छा रिस्पांस आया, तो जब मुझे अच्छा रिस्पांस आया तो मतलब मुझे लगा कि नहीं मैं अच्छा काम कर रही हूँ, इट मींस कि मुझे इसको कंटिन्यू करना चाहिए, लोग इसे पसंद कर रहे हैं, और एक मैं पॉजिटिव वे में रहकर दोनों नेशंस के दरमियान अगर पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रही हूँ तो इसमें मतलब अच्छा ही काम कर रही हूँ ना, तो फिर मैंने इसको कंटिन्यू रखा, मतलब इतना कंटिन्यू रखा चाहे यहाँ पर ईद हो चाहे जो मर्ज़ी फेस्टिवल हो मेरी वीडियो ज़रूर आती थी। मतलब मैंने इतना लगन से काम किया, इतना पैशनेट होके काम किया कि मुझे नहीं पता होता था कि मेरे मतलब यहाँ पर कोई त्यौहार है, कोई फेस्टिवल है, ईद है, मतलब शबरात है, या इस तरह का कोई फेस्टिवल आ रहा है यहाँ पर, मुझे नहीं पता था, लेकिन मैंने इसको बड़े अच्छे से कंटिन्यू किया, डेली बेसिस पे मेरी वीडियोस आ रही हैं। मतलब मैं पॉजिटिविटी स्प्रेड करने के लिए मतलब अपने मैंने पैशन को फुल ऑन, मतलब मैंने उसको इवन के आपको पता है हमारे यहाँ पे ईद फेस्टिवल होता है 3 डेज़ का होता है, तो उसके लिए भी मैं उससे पहले रमज़ान होते हैं आपको पता है फास्ट रखा होता है सारा दिन, मतलब 30 डेज़ का होता है, तो उसमें भी मैं जाकर मार्केट में काम करती रहती होती थी। इतना मुझे पैशन था कि मुझे अपने काम को कंटिन्यू करना है, जो मैंने एक पॉजिटिविटी स्प्रेड करने के लिए जो मैंने इतनी मेहनत की है उसको मैं मतलब अच्छे तरीके से लेकर चलूँ। वो कहते हैं ना कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस, तो इस बात से मतलब मेरे वो माइंड में ना बात बैठ गई हुई है कि भाई तुमने करना है ये, और चाहे ईद आ जाए चाहे जो मर्ज़ी फेस्टिवल आ जाए मैंने करनी है हर हाल में। आपने देखा होगा कि कोई भी फेस्टिवल हो मेरी वीडियोस जो है ना वो डेली बेसिस पे आती, कभी कभी तो दो भी आ जाती हैं, कोई करंट इशू आए तो फिर मैं तो कर ही देती हूँ। जी 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 जी, आपने जैसे बताया कि आपने मतलब बहुत हार्ड वर्क किया है और आपने ये बहुत पॉजिटिव वे के अंदर ये कंटेंट सेलेक्ट किया है, तो अब वैसे ईमानदारी की बात तो ये है कि मैंने आपके काफ़ी वीडियो यूज किए और जो कमेंट्स आते हैं आपके लिए, तो इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं, आपके काम को पसंद करते हैं, और मैं भी आपके काम को काफ़ी पसंद करता हूँ क्योंकि आप बहुत शुक्रिया पाकिस्तान के अंदर। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब मेरे पास ऑडियंस से एक क्वेश्चन है और उस सवाल का आप जवाब दीजिए कि आप इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं एज ए पाकिस्तानी, और बिल्कुल जवाब है ना बिल्कुल ईमानदारी से देना रिभा जी। बिल्कुल बिल्कुल ईमानदारी से, ये तो मैं अपनी आप शायद आपने मेरे प्रोग्राम्स देखे हों, इसमें मैंने काफ़ी प्रोग्राम्स भी किए हैं कि मैं इंडिया के बारे में क्या सोचती हूँ। सबसे पहले तो मेरी थिंकिंग जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, ठीक है, इंडिया को लेकर, और मतलब आपको पता है कि 1947 के बाद जो इंडिया पाकिस्तान की सेपरेशन हो गई एक बहुत दुख की बात है, लेकिन ये है कि सिस्टम चल रहे हैं इस तरह चलते जा रहे हैं, और मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में इंडिया के बारे में सोचती हूँ, और मैं ये सोचती हूँ कि इंडिया जो है मेरा दूसरा घर है क्योंकि हम जो हैं वो उधर से ही आए, ठीक है, और पॉजिटिव वे में सोचती हूँ, मैं सोचती हूँ कि वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं जितने भी इंडियंस हैं और बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, और मैं बहुत ज़्यादा मेरी प्रोग्राम बेसिकली इस पे ही होते हैं, और आपको समझ ही आ गया होगा कि मैं बेसिकली सोचती क्या हूँ। मतलब मैं अप्रिशिएट करती हूँ, मेरे इंट्रोज में भी होता है कि मैं बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन दे रही होती हूँ कि जिस तरह वो वर्किंग कर रहे हैं, और मतलब आए दिन कोई ना कोई अचीवमेंट्स उनकी हमारे सामने आ रही होती है, तो मैं बहुत पॉजिटिव वे में उनके बारे में सोचती हूँ। तो इसी से मुझे याद आया कि मैंने सुना आप बहुत फूडी भी है, आपको खाना बहुत पसंद है, तो आपको इंडिया में अगर आने का मौका मिले तो आप क्या खाना सबसे पहले पसंद करेंगे?
देखे मेरी सेहत देख के तो लग ही रहा होगा कि भाई मैं बहुत ज़्यादा फूडी हूँ, और ये बात सच है। मैंने अपने कई इंटरव्यूज़ में भी बताया था कि लाइक मुझे जो है फूड, स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर करने का बहुत शौक है इंडिया आके। मतलब इंडिया पाकिस्तान का जो कल्चर है ना, मुझे बहुत ज़्यादा सेम लगता है। आज भी अगर मैं अंदरून में जाती हूँ ना, तो लाइक मुझे ना मैं कहती हूँ कि मुझे ना इंडिया याद आ रहा है बहुत ज़्यादा। अक्सर वीडियोस देखती हूँ, आ तो मैं कभी पाई नहीं, लेकिन यह है कि आगे अगर मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर आऊँगी, और ख़ास मैं जो इंडियन फूड्स को, स्ट्रीट फूड्स को एक्सप्लोर करूँगी आके, और वो ट्राई करूँगी, और उनका अक्सर मैं देखती रहती हूँ, ढोकला, फेफड़ा, मतलब इस तरह। आप भी राजस्थान के हैं तो आपको तो, आप तो अक्सर वो स्टोरीज़ भी अपलोड करते रहते हैं फूड को एक्सप्लोर करने के मामले में। तो मुझे बड़ा वो एक क्रेज़ है कि मैं आके इस फूड को, स्ट्रीट फूड को बेसिकली एक्सप्लोर करूँ। अच्छा, मैं आपको एक करेक्शन कर दूँ, वो फेफड़ा नहीं होता, फाफड़ा होता है। फाफड़ा फाफड़ा होता है, लाइक मतलब जलेबी फाफड़ा, चले मतलब फाफड़ा होता है या फेफड़ा, तो मतलब लाइक चले जुबान फिसल ही जाती है। और राजस्थान की फेमस है दाल बाटी चूरमा, जैसे मैं जयपुर से हूँ तो यहाँ पे मोस्टली एक बेसन गट्टा की सब्जी हो गई यहाँ पे, और दाल बाटी चूरमा, केर सांगरी, मतलब खाने का यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट कल्चर है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ वराइटीज जो है वो मतलब हर एक सिटी की, हर एक स्टेट की मुख्तलिफ वो जो कहते हैं ना, मतलब एक होती है कि एक स्पेशल चीज़ होती है। अगर हम अगर एक लाहौर की बात करूँ तो लाहौर आते हैं तो वो एक यहाँ पे एक बात कोट की जाती है, जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या और जमया नहीं, ठीक है, ये लाहौर के बारे में बात बड़ी फेमस है। तो और जो लाहौर से मोहब्बत है ना, वो किसी चीज़ से नहीं है, ऐसी बातें चलती हैं यहाँ लाहौर में। लाहौर नहीं देखा तो की देखा, ऐसा कुछ है, जमया तो नहीं जमया, ऐसा कुछ है। हाँ जी, हाँ जी, जिसने लाहौर नहीं देखा, पंजाबी की कहावत है, मतलब आपको तो इतनी नहीं आती, मुझे भी नहीं वैसे इतनी आती, लेकिन ये है कि थोड़ी बहुत मैं बोल लेती हूँ, वो पंजाबी की यहाँ की कहावत है, जिन्हें लाहौर नहीं देखा और जमया नहीं। हाँ, वो जमया नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये कहावत यहाँ इधर भी चलती है अमृतसर में, मतलब ऑल ओवर इंडिया में भी चलती है, जिसने लाहौर नहीं देखे वेख्या सी वो जमिया नहीं, सुनी हुई थी मेरी बहुत 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 बार। चल झूठा। जो आप ये वीडियो रिएक्शन जाते हैं, आप पब्लिक के बीच में जाते हैं, तो आपको क्या अपने पेरेंट्स की, अपनी फैमिली की आपको सपोर्ट है? और सेकंड ये कि अगर आप जैसे पब्लिक के बीच में होते हैं, रोड पे होते हैं, तो कभी आपको प्रॉब्लम फेस हुई है? सबसे पहले तो मैं काम कर रही हूँ तो मुझे फैमिली की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, मतलब मेरे फैमिली की तरफ से मुझे फुल सपोर्ट है, और मतलब मैं हूँ भी अकेली तो मतलब मुझे सपोर्ट मिलता है। वो कहते हैं ना कि ये कोई एक हो तो वो बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, और एक भाई है मेरा, तो मतलब वो मतलब ये फैक्टर आ जाते हैं कि बहुत ज़्यादा लाड प्यार में रखा गया है मुझे, तो वो मतलब मुझे सपोर्ट है कि मैं अपने करियर को जो है ना परस्यू कर सकूं। और अगर आप पब्लिक रिएक्शन शो की बात करते हैं तो मुझे कभी भी आज तक प्रॉब्लम नहीं आई। आपने देखा होगा कि मोस्टली मेरी वीडियोस जो हैं वो लिबर्टी में ही होती हैं। साल हो गया मैं लिबर्टी जा रही हूँ, एक तो वो कहते हैं ना आपके साथ उन लोगों के साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाना, या अगर आप एक जगह पे जा रहे हो तो आपकी वो जान पहचान उस हिसाब से बढ़ जाती है, उधर इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं या इर्द गिर्द के मतलब जो वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, तो मतलब मुझे लाइक उधर लिबर्टी में कभी भी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। और उसके अलावा मैंने ज़्यादा मतलब बाहर वाली और भी मतलब मार्केट्स हैं, जैसे बरकत मार्केट हो गई, मतलब इचरा हो गया, इस तरह की मार्केट्स हैं, लेकिन जो है वो मतलब उनकी ऑडियंस वहाँ की इतनी पढ़ी लिखी नहीं है जो मतलब मेरे जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो उसका जवाब दे सके। तो इस वजह से मेरा जो ज़्यादा रुझान है ना, क्योंकि अक्सर लोगों ने पूछा कि यार लिबर्टी मार्केट क्यों, लिबर्टी ही क्यों, तो एक ये मतलब उन सारी ऑडियंस के लिए इसका जवाब ये है कि मैं इसलिए लिबर्टी मार्केट जाती हूँ कि वहाँ पर थोड़ी पढ़ी लिखी आवाम मिल जाती है भाई, कि मतलब वो किसी को रिस्पेक्ट दे सकती है, यानी कि किसी लड़की को रिस्पेक्ट मिल सके वहाँ पर। मतलब ये है कि मुझे बड़ा अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है ओवरऑल, इवन कि मैं खुद कैमरा मैन हूँ, मैं किसी पे डिपेंड नहीं करती, अब तो मुझे ऐसी आदत हो गई है, लोग मुझे कहते हैं कैमरा मैन रख लो, तो मैं कहती हूँ नहीं यार मुझे आदत ही नहीं रही, मैं क्या करूँ। इवन कि मैंने पिछले दिनों सोचा कि नहीं यार मुझे कैमरा मैन रख लेना चाहिए, यकीन करें उसको एक महीना गुजर गया इस बात को कि मेरा
मतलब इवन कि सारी बात डन हो गई है कैमरामैन से, लेकिन मैंने उसको फ़ोन करके नहीं बुलाया क्योंकि मुझे आदत थी इसका, इस तरह मैंने अपने आप को उस मतलब उस मतलब उस इन्वायरमेंट में ऑब्जर्व कर लिया कि मैं कैमरामैन के साथ सर्वाइव नहीं कर सकती, मतलब मैं किसी पर डिपेंड नहीं कर सकती, मैं अपना काम खुद करने की आदी हो गई हूँ, मुझे पसंद है अपना काम खुद करना, खासतर ये काम मतलब लाइक जो मैं कर रही हूँ इसका मैं किसी पर डिपेंड नहीं करती, मतलब मैं खुद करती हूँ, कैमरामैन हूँ खुद हूँ, एडिटर हूँ, मतलब प्रोडक्शन का सारा काम मैं करती हूँ, मतलब इन ऑल दैट सारा काम मैं खुद करती हूँ। अच्छा, तो मेरा सेकंड क्वेश्चन ये था कि आपको कभी कोई परेशानी, कोई लड़के ने छेड़ा हो या कभी कोई ऐसी नालायकी की हो किसी ने या फिर इस टाइप से जो कि एक अच्छा ना हो? अच्छा, मैं आपको एक बड़ी मज़े की बात बताती हूँ कि मैं ना हमेशा कभी कोमे नहीं पड़ी अपने सेकंड ईयर तक, मतलब लाइक मेरी जो बैचलर्स से पहले पहले तक जो मेरी एजुकेशन थी उसमें कभी मैं कोमे नहीं पड़ी। उसके बाद जब मैं यूनिवर्सिटी में आई और मैं यूनिवर्सिटी में आके कोमे आ गई, ठीक है, तो वो मेरे लिए सब कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंट था कि मैं एक, मतलब आपको पता है कि एक लड़की जो है वो मतलब पहले कभी लड़कियों में उसकी ग्रूमिंग हुई है और एकदम से वो कोमे आ गई है, तो मतलब थोड़ा सा वो मतलब ऑब्जर्व करने में ना डिफरेंस मतलब लग जाता है थोड़ा सा टाइम। तो फिर मैंने ना फोर्थ सेमेस्टर था मेरा यूनिवर्सिटी में, तो मैंने अपनी ना ज्वाइन कर लिया जो मुझे शौक़ था, एंकर बनने का शौक़ था, रिपोर्टर बनने का शौक़ था, जर्नलिस्ट बनने का शौक़ था, तो मैंने कंटिन्यू शुरू कर दिया। मतलब मुझे बोलना भी नहीं आता था, मैं मतलब मैं कैमरे के आगे नहीं बोल सकती थी, मैं इस तरह थी कि मेरा मुझे जब मेरा फर्स्ट ऑडिशन था ना तो मैं ना ऐसी डरी हुई थी, इतनी डरी हुई थी कि मुझे किसी ने मार के यहाँ पे बिठा दिया, भाई कि रे बाहर यहाँ पे बैठ जाओ वरना तो तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा, इस तरह का मेरा सीन था। लेकिन मैंने इतनी प्रैक्टिस की शीशे के आगे खड़े होके, मैं पूरी पूरी रात शीशे के आगे खड़े होके बात करती रहती होती थी, मतलब उससे ये हुआ कि मेरी आवाज़ में इन्फ्लुएंसी आ गई और उसमें ये चीज़ें क्लियर हो गई कि मेरा जो फेयर था, कैमरा फेयर था, वो ख़त्म हो गया, ठीक है। फिर मतलब ये चीज़ें ना मुझे बड़ा ही उन्होंने स्ट्रांग कर दिया और कि मुझे कभी किसी, मुझे अब मैं आपको अब की एग्जांपल बता रही हूँ, क्या आज से 4-5 साल पहले की एग्जांपल जब मैं यूनिवर्सिटी गई थी तब की नहीं बता रही, मैं अब की एग्जांपल बता रही हूँ। अब अगर मैं कहीं जाऊँ ना तो वो मुझे पता है कैसे मेरे बारे में एग्जांपल्स देते हैं, मुझे ये कहते हैं कि ये पाई है पूरा, मतलब मुझे ये कहते हैं कि मैं लड़का हूँ पूरा, और मतलब मैंने जिस तरह ख़ुद को अपने आप को ले कर चल रही हूँ ना तो सारे मुझे कहते हैं ये लड़का है पूरा, और मुझे ये लड़कों वाला सीन कभी भी नहीं ऐसा हुआ कि मुझे कभी किसी ने छेड़ा हो, कभी ऐसा नहीं हुआ, इवन कि मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिली है, मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा सीन नहीं हुआ कि मुझे किसी लड़के ने छेड़ा हो या मेरे साथ कोई हंगामी सूरत हुई हो। चलिए जी, अच्छी बात है, मतलब पाकिस्तान में अच्छे लोग भी है, लड़कियों की, महिलाओं की थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट है वहाँ पे, है ना? बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही अच्छे लोग भी हैं। देखिए हर जगह हर तरह के लोग पाए जाते हैं और ये आपको कहीं ना कहीं पाए जाते हैं, अच्छे और बुरे लोग हर जगह होते हैं, उसमें कोई शक। ऐसे ही है, कुछ आपको अच्छे एक्सपीरियंसेस दे जाते हैं, कुछ आपको बैड एक्सपीरियंसेस दे जाते हैं, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उन बैड एक्सपीरियंसेस को अपने अंदर कैसे ऑब्जर्व करते हैं। अपने अंदर आपने अगर पॉजिटिव वे में ऑब्जर्व कर लिया तो समझो आपने वो जंग जीत लिया। अगर आप उस इंसिडेंट के बाद आप इस तरह करेंगे कि आप उसको नेगेटिव वे में लेके जाएंगे ना, तो फिर आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। कि हर चीज़ आपकी लाइफ में किसी ना किसी मकसद के तहत आती है और किसी ना कोई कुछ ना कुछ एक्सपीरियंसेस दे जाती है, कुछ अच्छी मोमेंट्स दे जाती है, कुछ मेमोरीज दे जाती है। और हमेशा मैंने तो ये ऑब्जर्व किया कि भाई आपकी ज़िंदगी में अगर कोई चीज़ है तो वो पॉजिटिव वे में आप उसको लें और आपको कुछ ना कुछ देकर ज़रूर जाएगी, चाहे वो एक्सपीरियंस ही क्यों ना हो। अब मेरे पास में ये, तो चलिए जी अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। अब मेरे पास में ऑडियंस का एक और क्वेश्चन है और वो शायद आपको थोड़ा सा दिल पे पत्थर रख के जवाब देना पड़ेगा। तो क्वेश्चन ये है कि आप पाकिस्तान की एक सबसे अच्छी बात और एक पाकिस्तान की सबसे गलत बात आपको बतानी है। पाकिस्तान की ऑनेस्टली, मैं खुद भी पाकिस्तानी हूँ। देखिए मेरा ये, मैं पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करती हूँ, ठीक है, और मैं जिस तरह पाकिस्तान से मोहब्बत करती हूँ उस तरह मैं इंडिया से भी मोहब्बत करती हूँ, ठीक है। तो मतलब दोनों कंट्रीज़ मेरे लिए एक जैसे हैं, मुझे लगता है कि पाकिस्तान भी मेरा घर है और इंडिया भी मेरा घर है, मुझे ये लगता है।
ये मेरी थॉट्स हैं। पाकिस्तान की सबसे अच्छी बात कि भाई पाकिस्तान में ये चीज बहुत अच्छी जी, है। जी, जी, जी। बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तान की जो सबसे अच्छी बात ये है कि पाकिस्तान में ना मतलब मेरे एक्सपीरियंस में मुझे हर चीज़ का यानी कि तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। मतलब मैं रह रही हूँ, मैं शुरू से रह रही हूँ, मुझे कभी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल सेफ़ रह रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, कुछ मैंने आपको कहा है कि कुछ बैड एक्सपीरियंसेस भी हो जाते हैं, कुछ अच्छे एक्सपीरियंस भी हो जाते हैं। हम जो मतलब प्रोग्राम्स करते हैं उसमें कुछ नेगेटिविटी भी होती है, कुछ जो खबर आती है उस हवाले से भी कुछ इस तरह के मामलात होते हैं। लेकिन जो मैं अपना एक्सपीरियंस, अभी मैं किसी की बात नहीं करी, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। और अच्छी चीज़ ये है कि पाकिस्तान में मुझे मतलब अपना पैशन कंटिन्यू करने का मौका मिला है। मुझे ये मौका मिला है कि यार मैं किसी कंट्री को जोड़ सकूँ, दो नेशंस को जहाँ पे बहुत ज़्यादा हेट पाया जाता है। मतलब दोनों कंट्रीज़ में मतलब समटाइम्स आपको पता है बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें होती हैं, प्रोपगेंडाज होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा हेट पाया जा रहा होता है। ठीक है, और उसको मैं अच्छे तरीके से लेकर चलूँ तो मुझे आज़ादी हासिल है यहाँ पर कि मैं यहाँ पर अपना पैशन कंटिन्यू कर रही हूँ। बुरी बात ये है कि एजुकेशन सिस्टम नहीं अच्छा, लोगों को अवेयरनेस नहीं है। अगर हम अपना एजुकेशन सिस्टम अच्छा कर लें, ठीक है, ये फैक्ट्स की बात मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैं यहाँ पे किसी को कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रही, मैं किसी को कुछ नहीं कह रही या किसी पे को टारगेट रख के कोई बात नहीं कर रही। ये फैक्ट्स हैं कि हमें अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मैं एक यूट्यूबर हूँ, ठीक है, मुझे आज भी सीखने की ज़रूरत है। मैं कोई परफेक्ट यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं आज भी अपनी चीज़ों को बेहतर करती रहती हूँ, देखती रहती हूँ कि यार मैं क्या गलती कर रही हूँ। अगर मैं वीडियो मेक कर रही हूँ इसमें और क्या बेहतरी की जा सकती है, ठीक है, इसको और कैसे अच्छे तरीके से परफॉर्म किया जा सकता है। अगर इस वीडियो मैंने कोई मेहनत की है उस पर अगर मुझे रिवॉर्ड नहीं मिल रहा या इस पर एक रेटिंग नहीं आ रही, मैं क्या गलती कर रही हूँ। मतलब सीखने की ज़रूरत तो है, और मतलब कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, उसी तरह कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है। इवन कि मतलब यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम जो है, हमें अपने यंग यूथ को बहुत ज़्यादा एजुकेट करने की ज़रूरत है आज के दौर में। हम जितना अपनी एजुकेशन पे इन्वेस्ट करेंगे ना, तब ही हम तरक्की कर सकते हैं। ठीक है, और जब हम अपनी एजुकेशन पे जब सारा, अगर हम वो कहते हैं ना कि अगर हम अपने तलीमी निज़ाम को बेहतर कर लेना तो सारी चीज़ें बेहतर हो जाए, तो यहाँ पे ये फैक्ट है बस। तो रिबाज जी, जैसा कि आपने बताया पाकिस्तान में एजुकेशन की कमी है और थोड़े लोग पढ़े लिखे नहीं है, अवेयर नहीं है, और काफ़ी एक तरीके से इन चीज़ को मासूमियत भी बोल सकते हैं उन लोगों की, लेकिन जो पाकिस्तानियों की मासूमियत है वही हमारे हिंदुस्तानियों के मनोरंजन के काम आती है। हम जैसे यूट्यूबर को उनके ऊपर बोलने का मौका मिल जाता है, और हम हिंदुस्तानियों के पास मनोरंजन के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। देखिए मेरी बात सुने, आपने कहा कि देखिए हम, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, हम यहाँ पर बैठ के इंडिया पाकिस्तान पे प्रोग्राम कर रहे हैं और आप वहाँ पर बैठ के इंडिया पाकिस्तान पे प्रोग्राम कर रहे हैं, इट मींस कि मोहब्बत है तो किया जा रहा है ना। किसी को आप बहुत पैशन से कंटिन्यू कर रहे हो तो इसके पीछे कोई तो वजह है ना। और आज मैंने जो एक्सपीरियंस देखे हैं ना, जो मैंने कमेंट्स पढ़ती हूँ, मेरा तो बहुत मोस्टली एक्सपीरियंस इंडिया पाकिस्तान से होता है, तो इंडिया के लोग और पाकिस्तानी लोग बहुत मोहब्बत करने वाले। अच्छा रिबाजी, एक और क्वेश्चन है इंडिया से रिलेटेड फिर आपसे, मेरे आपके लिए मेरे पास में, तो आपकी जो फैमिली है, आपके जो दादा नाना परदादा जो भी थे, वो क्या इंडिया में कौन सी जगह से थे, कहाँ से थे, अगर आपको कुछ पता हो तो बताइए। मुझे बेसिकली इतना याद है कि बेसिकली मेरी फैमिली बहुत छोटी है। मेरी जो पर नानी थी, नहीं पर दादी जो थी ना, वो मेरे ख्याल से मतलब मुझे जो हल्की हल्की जो मैंने बातें सुनी हुई अपने घर वालों से, वो इंडिया से जब सेपरेशन हुई थी तब वो आई थी यहाँ पर। ये नहीं मुझे आइडिया कि वो वहाँ इंडिया से किस शहर में रहती थी, किस स्टेट में रहती थी, ये मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन ये मैंने सुना था कि जब दोनों की पार्टीशन हुई थी, यानी कि दोनों की पार्टीशन होने के बाद वो वहाँ से आई थी, और उसके बाद यहाँ पे उन्होंने घर लिया, और ये सारा मतलब थोड़ी बहुत बात सुनी है, इतनी कोई डिटेल में नहीं सुनी मैंने। ओके जी, अब एक और क्वेश्चन है मेरे पास ऑडियंस का, इंडिया से रिलेटेड है वो भी। उसमें यह क्वेश्चन ये है कि जैसा कि आप बार बार कह रही है कि आपको इंडिया बहुत पसंद है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान आपको एक जैसा ही लगता है, तो एक ऑडियंस ने पूछा है, उनका क्वेश्चन है कि इंडिया में अगर आपको आने का मौका मिले
तो आप सबसे पहले कौन सी सिटी में जाना पसंद करोगे? मैं बेसिकली, मुझे तो पूरा इंडिया एक्सप्लोर कर रहा है। आपको पता है मैंने अपने काफ़ी वीडियोस में, अपने काफ़ी इंटरव्यूज में भी कहा कि मैं जो हूँ, मुझे ट्रैवल व्लॉगिंग करनी है और मतलब कंटिन्यू करूँगी मैं आगे कुछ विद द पैसेज ऑफ टाइम, मतलब करती रहूँगी मैं इसको, इस पर कंटिन्यू करूँगी। अभी मैं कुछ हालात मामलात इस तरह के हैं कि अभी मैं उसको फुल टाइम नहीं दे पा रही, क्योंकि सारा काम मैंने खुद करना होता है। एक ये सीन है। और दूसरे नंबर पे आपको पता है कि इसके लिए पूरी टीम चाहिए होती है, और मतलब आपके साथ कोई ना कोई हो तो आप काम कंटिन्यू कर सकते हो। तो मेरा अगर मुझे फर्दर कोई मेरा हुआ कि मैं इंडिया आऊँ, तो मैं गोवा जाऊंगी, शिमला जाऊंगी, राजस्थान आप मुझे एक्सप्लोर करवाएंगे। ठीक जी 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 जी। अगर मैं रहूँगा ना, अगर आपको तो फिर टीम की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला ही टीम के बराबर हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मतलब हर स्टेट देखना चाहूँगी। जी जी जी। दिल्ली, मुंबई, इस तरह मतलब हर स्टेट, हर सिटी जो है मैं उसे एक्सप्लोर करना चाहूँगी। और मुझे बहुत शौक है, मतलब अब तो मैंने सुन लिया बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है जब से नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट इंडिया में आई है। तब से मोदी जी ने बहुत ज़्यादा वहाँ पर काम किए, डेवलपमेंट की है। तो मैं अक्सर वीडियोस भी देखती रहती हूँ, और आपको पता है मोस्टली प्रोग्राम्स भी उसी पे होते हैं। जी, आपकी अवेयरनेस इंडिया के जो सिटीजन है उनसे भी ज़्यादा अवेयरनेस है आपके अंदर इंडिया के बारे में, ये चीज़ तो मैं भी मानता हूँ। क्योंकि आपको क्या है, ऐसी ऐसी खबरें होती है आपके पास में जो मोस्टली एक इंडियन उसको स्किप कर देता है, उस पर ध्यान नहीं देता है, लेकिन आप तक वो पहुँचती है, आप उन पर प्रोग्राम तक बना देती है। हाँ, तो रिभा जी, आपने इंडिया के बारे में बात की, गोवा के बारे में बात की, आप आइए, आपका मोस्ट वेलकम। आपको यहाँ पर आपको बहुत प्यार मिलेगा, यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं। अभी भी मुझे इंडिया से बहुत मोहब्बत मिलती है, अभी भी बहुत मोहब्बत मिलती है। कॉमेंट्स में भले कोई कुछ भी बोले, लेकिन अगर जैसे आप अगर पर्सनली यहाँ पे विजिट करेंगे तो आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल ऑसम होने वाला है। यहाँ के लोग बहुत प्यारे होते हैं, पाकिस्तान, हालांकि पाकिस्तान से थोड़ा सा डरते भी हैं क्योंकि हमारे देश ने काफ़ी दंश झेले, लेकिन लोगों से बहुत प्यार करते हैं पाकिस्तान की आवाम से। तो आप आइए, आपका मोस्ट वेलकम। जैसे कि आपने अभी मोदी जी का नाम लिया कि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आपको पॉलिटिकल अवेयरनेस भी बहुत है, खासतौर से इंडिया की राजनीति की और पाकिस्तान की राजनीति की, तो हमारे मोदी जी के बारे में आपका क्या विचार है, वो मतलब आपको कैसे लगते हैं, क्या प्रधानमंत्री के तौर पे नरेंद्र मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं? बिल्कुल, प्रधानमंत्री के तौर पे नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इसकी मिसाल ऐसी है कि 2014 से 2022 आ गया है, ठीक है, मैंने बहुत सी डेवलपमेंट इंडिया में देखी है। इवन कि मैंने बहुत प्रोग्राम्स किए हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने कॉरिडोर्स पे वर्किंग की है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, मतलब उसके बाद उनकी पीएलआई स्कीम, मतलब इस पर बहुत ज़्यादा उन्होंने डेवलपमेंट की है अपने हर डिपार्टमेंट में। मतलब मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ, और बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन की है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने कोविड की सिचुएशन को जिस तरह टैकल किया, ना सिर्फ टैकल किया बल्कि उसको बड़े अच्छे तरीके से मतलब अपनी कंट्री को लेकर चले हैं, तो ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन है। जिस तरह उन्होंने अपनी कोविड की सिचुएशन को टैकल किया है, और जिस तरह उन्होंने मतलब अपने वैक्सीनेशन के अमल को हर जगह पर आम किया, एक्सपोर्ट की है, तो मतलब इम्प्रेसिव। तो मोदी जी को यहाँ भी लोग बहुत प्यार करते हैं, हालांकि मोदी जी के खिलाफ बोलने के लिए यहाँ विपक्ष के पास या जो अपोजिशन है उनके पास कोई चीज़ है ही नहीं। देखिए, मेरी बात सुने, वो तो जहाँ पे वो कहते हैं ना, अभी मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मैं एक छोटी सी यूट्यूबर हूँ, ठीक है, और मतलब मुझे क्रिटिसाइज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं, ठीक है। इसी तरह मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अगर कोई इकदार में है तो उसकी ऑपोजिशन पार्टीज़ जो हैं उनके ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ करती रहती है। ये एक जगह का हाल नहीं है, ये हर जगह का ही हाल है, मतलब इस तरह चलता है और इस तरह होता है, मतलब दुनिया है, होता है, चलता है, सब होता है। तो रिभा जी, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जैसे कि आप इतना इंडिया के बारे में जानती है, इतना इंडिया के बारे में समझती है, आप हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में, मुझे नहीं लगता कि मतलब इंडिया के लोगों में भी अवेयरनेस है, लेकिन इतना प्रधानमंत्री को इतना क्लोजली भी फॉलो करते हैं आप, तो आपको हमारी इंडियन मूवी कैसी लगती है, और आपके फेवरेट एक्टर्स और एक्ट्रेस कौन है? बेसिकली बॉलीवुड तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, और मतलब मूवीज़ जो हैं बेस्ट मूवीज़ होती हैं, अब तो ऐसी मूवीज़ आ गए रिसेंटली, KGF चैप्टर 2 जो आपने स्टोरी लगाई थी मैंने भी देखी है, बहुत अच्छे से बनाया हुआ था, मतलब
उन्होंने मेरे ख्याल से हॉलीवुड जो है ना उसको क्रॉस कर दिया। मतलब इतनी अच्छी मूवीज़ वो बनाने लग गए हैं, इतना अच्छा मतलब उनका जो बजट है वो उस पर अर्न कर रहे हैं, उस पर वर्किंग कर रहे हैं, और जिस तरह वो उनकी मतलब एडिटिंग होती है, उनकी जो फिनिशिंग होती है। अब तो इंडिया की फिल्मों के अंदर स्टोरी भी लगभग न्यू होती है हर फिल्म की, हर मूवी की। एग्जैक्टली पहले होता था ना कि मतलब लाइक हम बचपन में देखते थे तो वो लव स्टोरीज ही होती। हाँ, वो लव स्टोरी होती थी, आधी स्टोरी हमको देखने से पहले पता चल जाती थी कि आगे क्या होने वाला है। अब वो नहीं रहा, अब मुख्तलिफ स्टोरीज हैं। आपको मतलब बहुत अच्छा मतलब बॉलीवुड का जो है ना सिस्टम हो गया है, और जो उनकी मूवीज़ हैं मतलब वो बड़ा अच्छा अपने कल्चर को जो है वो डेवलप कर रहे हैं। आपकी मतलब पसंदीदा हीरो और हीरोइन कौन है, ये भी तो बता दीजिए। कोई स्पेसिफिक नहीं है क्योंकि सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, बचपन से देखती आ रही हूँ। शाहरुख खान, सलमान खान, ठीक है ये तो बहुत अच्छे एक्टर हैं ना, आज भी उनकी जो मूवीज़ हैं वो बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही हैं पूरी दुनिया में, आज भी वो देखी जाती हैं। उनकी शान में कोई वो कहते हैं कमी नहीं आई आज तक उनकी मूवीज़ की। और हीरोइंस में, और हीरोइंस में कैटरीना कैफ और भी बहुत सी हैं, कोई एक स्पेसिफिक तो नहीं मैं कह सकती, और मतलब सब भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कोई एक को अगर आप कहेंगे ना कि एक को कोई एक टारगेट रख के कहूँ तो वो मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, तो मेरे पास एक और क्वेश्चन है, आप इंडिया से काफ़ी जानकारी रखती है, तो आप क्रिकेट का शौक है कि नहीं है आपको? देखें, क्रिकेट का मुझे मतलब किसी हद तक शौक है, लेकिन जब बात आ जाए इंडिया पाकिस्तान के मैच की तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ। तो मेरा सवाल भी, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी चीज़ के ऊपर है कि जैसे आपको क्या लगता है कि जो पाकिस्तान में एक PSL होता है, पाकिस्तान प्रीमियर लीग, और एक इंडिया में होता है इंडियन प्रीमियर लीग, तो इन दोनों में से कौन सा बेस्ट और बेटर प्लेटफॉर्म है? बिल्कुल मैं इस बारे में यही कहना चाहूँगी कि जो IPL है और PSL दोनों का कोई मुकाबला नहीं है, ठीक है। जो IPL है वो इंडिया का है, वो देखें फैक्ट्स की बात करूँगी वो बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है। PSL भी बहुत ज़्यादा, इस बार जो PSL की परफॉर्मेंस थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी रही है, ठीक है। तो मतलब जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है ना तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है भाई, बहुत एक्साइटेड होती हूँ मैं। और आपको पता है कि उससे पहले बहुत अरसा पहले प्रोग्राम्स करना शुरू कर देती हूँ उस पर भाई क्या लोगों की एक्साइटमेंट है, क्योंकि मैं खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ तो मैं मतलब वो पे पब्लिक रिएक्शन शो लेना शुरू कर देती हूँ कि भाई लोगों के आगे क्या जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू है इस हवाले से। तो मुझे अगर फैक्ट्स पर बात करें, फैक्ट्स एंड फिगर्स पर बात करें, तो IPL बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आज की डेट। अभी तो खैर पाकिस्तान जीत गया था हमारे से इस बार 28 साल के बाद में, लेकिन पहले तो पाकिस्तान में TV भी बहुत टूटते थे, वर्ल्ड कप में कभी नहीं जीत पाया था पाकिस्तान। क्रिकेट की बात चल रही है तो क्रिकेट पर रिबाह जी, तो ये बताइए आपका फेवरेट क्रिकेटर ऑल ओवर टाइम कौन है? मेरे ख्याल से इमरान खान तो नहीं होगा आपका। विराट कोहली। शादी अनुष्का लेके चली गई उसको, तो आप तो चेंज कर लो। कोई मसला नहीं है भाई, मैं उसके काम से उसको जज करती हूँ, किसी को किसी की मतलब ये ऐसा नहीं है कि मतलब मैं उसको मतलब भाइयों की नज़र से भी तो देखा जा सकता है ना, मतलब लाइक वो अच्छा काम कर रहे हैं, परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग फैक्ट्स पर बात कर रही हूँ। अच्छा जी, चलिए जी, क्रिकेट की बात हो गई तो अब आपकी थोड़ी सी पर्सनल, आपकी लाइफ से जुड़ी हुई या आपसे ज़िंदगी से जुड़ी हुई कुछ एक सवाल पूछा है किसी हमारे एक ऑडियंस में, तो वही सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि अगर जैसे मान लो कि आप पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में गैर मुस्लिम लोग भी रहते हैं, सिख ईसाई या और क्रिश्चियन लोग भी रहते हैं वहाँ पर, और मान लो अगर आपको किसी गैर मुस्लिम से इश्क हो जाता है, प्यार हो जाता है, तो क्या आप उससे शादी कर लेंगे वहाँ पर? देखिए, अब तो जो ये बातें आ गई हैं ना, ये इश्क मशूकी वाली, ये अब बड़ी हो गई हैं भाई, बड़े लोग आते हैं ना, तो ये मामलात अब तो मैं अपनी मतलब जो करियर को इतना सीरियस लेकर चल रही हूँ ना, तो इन चीज़ों की तरफ तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। मेरे बोलने का मतलब ये कि कोई आदमी आपको अच्छा लग जाए गैर मुस्लिम और आपको लगे कि ये मेरा लाइफ पार्टनर बन सकता है, बोलने का मतलब ये था कि तो क्या आप उसके साथ लाइफ टाइम गुजार सकते हैं? देखिए मेरी बात सुने, ये जो ज़िंदगियों के फैसले होते हैं तो आपके पेरेंट्स ने करने होते हैं, जिन्होंने आपको पाला है, जिन्होंने आपकी तरबियत की है, जिन्होंने आपको बड़े अच्छे से मतलब कुछ घर वालों की भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो मतलब जो घर वाले फैसला करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये सारा काम होता है।
हाँ जी, देखिए मेरी बात सुनिए, लड़कियों के रिश्ते आते हैं, ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आते, मैं एक ओवरऑल बात कर रही हूँ। तो ये तो आपके पेरेंट्स पे होता है ना कि आपके पेरेंट्स आपके लिए क्या जो, और आपके पेरेंट्स आपके लिए अच्छा ही मतलब चूज़ करते हैं, आपके मम्मी डैडी आपके लिए बहुत अच्छा सोचते होंगे कि आपके लिए अच्छी लड़की लेकर आए, आपके लिए मतलब आपकी जो लाइफ पार्टनर हो बहुत अच्छी हो, मतलब आपके साथ आप उसके साथ कंफर्ट लेवल पर रहकर पूरी जिंदगी गुजार। मेरी लाइफ पार्टनर तो भाग गई कि भाई मेरे मम्मी डैडी जो ले आए थे मेरे लिए वो भाग गई, वो मुझे छोड़ गए भाग गई। अच्छा, यानी कि वो भाग गई है, कोई बात नहीं, मम्मी डैडी को कह के एक और अच्छी ले आए, कोई एक बार गलती हो जाती तो दूसरी उस गलती को सुधारा जा सकता है। चलिए ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने पेरेंट्स की मर्जी से आप अरेंज मैरिज में ज़्यादा यकीन रखती है, साथ में अपने करियर में ज़्यादा फोकस रखना चाहते हैं। हाँ, तो रिबा जी, जब बात चली रही है शादी की, लड़कों की, घर वालों की, तो एक चीज़ और बता दीजिए, अगर जैसे आपको फ्यूचर में ऐसा तो है नहीं कि आप शादी नहीं करेंगे, आप घर वालों की मर्जी से भी शादी करेंगे, तो आप अपने दूल्हे मियाँ के अंदर क्या खूबियाँ देखना पसंद करेंगे? अब ऐसा नहीं है कि मुझे अगर कोई अच्छा लड़का नज़र आएगा तो मैं उससे शादी नहीं करूँगी, तो ऑब्वियसली मैं कर लूँगी शादी। और अगर क्वालिटी वाइज आप पूछते हैं तो मतलब मुझे समझना, अंडरस्टैंडिंग हो बहुत ज़्यादा उसको, मतलब मेरे पे ट्रस्ट हो और मुझे मेरा जो करियर है वो कंटिन्यू करने दे, ठीक है, मुझे सपोर्ट करे, ठीक है, नैरो माइंडेड ना हो। अगर वो नैरो माइंडेड हुआ तो फिर मुझे मेरे मतलब करियर के साथ कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो फिर ऐसे लोगों से तो फिर वो मतलब क्या आप उस बंदे के साथ क्या अपनी लाइफ स्पेंड करेंगे जो आपको इस तरह ही कहेगा कि लाइक ये जो मामला चल रहे हैं कैसे मतलब आप उसके साथ ज़िंदगी गुजार सकते हैं जो आपके करियर का ही गला घोंट देगा। तो इसलिए मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करूँगा कि आपको आपकी पसंद का लड़का मिले जो आपको कभी करियर में आपको कभी तकलीफ ना दे, हमेशा आपको सपोर्ट करे, आपसे बहुत प्यार करे, आपको खुश रखे हमेशा। अच्छा, मेरा एक आखिरी क्वेश्चन है आपसे जाते जाते, रिभा जी, आपने काफ़ी क्वेश्चनों के ईमानदारी से और बड़े प्यार से जवाब दिए, एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा, अगर जैसे आपको इंडिया में रहने का मौका मिले लाइफ टाइम के लिए, जैसे अदनान सामी जी इंडिया के सिटीजन बन गए, तो आप क्या इंडिया में रहना चाहेंगे? बिल्कुल, मुझे बहुत शौक है, ठीक है, और मतलब बड़े एजाज़ की बात होगी कि अगर मुझे इंडिया का वीज़ा मिल जाएगा तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश होंगी कि अगर मैं इंडिया विज़िट करती हूँ, वहाँ पे सेटल होती हूँ। और वैसे भी मेरा शौक है कि मैं जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ में कमेंट्स के अंदर, अभी आप यकीन मानेंगे कमेंट्स के अंदर जो भी इस वीडियो को देखेगा वो आप सबको आपका वेलकम ही करता हुआ नज़र आएगा। आप जाते जाते रिबा जी, अब आखिरी के अंदर हमारे चैनल की सबसे मतलब वो फेवरेट पर्सन है फिजा अकबर खान, पाकिस्तान की जर्नलिस्ट है जो हमेशा भारत इंडिया मोदी करते रहते हैं, तो उनके बारे में दो लाइन कुछ फनी फनी वे में बोल के जाइए आप। देखिए, ये पपेट्स होते हैं, ठीक है, जो इस तरह के जर्नलिस्ट होते हैं, ठीक है, और वो अब मैं मतलब क्या बातें खैर करूँ, लेकिन फ़नी सी अगर आप कह रहे हैं बात, तो इनकी मिसाल ऐसी है कि नेगेटिविटी स्प्रेड करने में बहुत आगे हैं, इनको इनके लिए नसीहत यह है कि पॉजिटिविटी स्प्रेड करें, जब ये पॉजिटिविटी स्प्रेड करेंगे तो इनके इनर जो पीस इनको मिलेगा ना वो किसी के पास नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो रिभा जी, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा, और आपका जो काम कर रहे हैं आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आपने इतनी सारी बातें बताई पाकिस्तान के बारे में, अपने बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, आपने आपका जो स्ट्रगल रहा, आपने किस तरीके से अपने करियर को शुरू किया, आपको क्या प्रॉब्लम्स आई, आपने हर चीज़ के ऊपर बात की, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे यूट्यूब चैनल में आने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए, आप अपना कीमती समय निकालने के लिए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आप रिभा जी तो कर देते हैं हम विदा, और अब आपका काम है कॉमेंट करना, तो अच्छा सा कमेंट कीजिए, एक रिभा जी के लिए कीजिए, एक आपके भाई के लिए कीजिए, आपका भाई आपके लिए ऐसे मस्त मस्त वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।